आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। शियों से भरा प्रभु ये दिन हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। शुभ पावन मंगल ये दिन प्रभु तुमसे मिला वरदान, उल्लास भरा प्रभु ये दिन हर्षित करता तन मन, नाच गाते हुए धुन बजाते हुए, नाच गाते हुए धुन बजाते हुए हम करते हैं तुझको प्रणाम। से भरा प्रभु ये दिन हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। करता तन मन उल्लास भरा प्रभु ये दिन हर्षित करता तन मन, नाच गाते हुए धुन बजाते हुए, नाच गाते हुए धुन बजाते हुए हम करते हैं तुझको प्रणाम। शियों से भरा प्रभु ये दिन हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। This Mass is being offered for the following intentions: for the departed souls of Emily Morris, Patricia and Joe Cantum and William Dawson, Susan Gonzalez, for the soul of Juvena Gonzalez, for the soul of Dominic Gonzalez, for the soul of Joachim George, for the soul of Usha Edward, for the soul of Joe Pitts, for the soul of Arthur Gregory, for the soul of Marian Francis and George Julius, for the soul of Lulu Nazareth, for the soul of Teresa Mary Victor Joseph, for all the near and dear departed souls of all family relatives, for the soul of Charles Maxine Alfred, for the soul of Alice Linus Paul, for the souls in purgatory, for the soul of Syrah Ford, for the souls in purgatory, and for the quick recovery of Sneha Rakshe, for God's protection and good health of family members, for good health and God's blessings on Deepak Braganza, for blessings for good health of Johnny Gregory, for good health and God's blessings on Patrick Lobo on his 90th birthday, for God's protection on all his people, for the good health of Derek and Viola Lancelot, for the safe flight for Melanie Lancelot to USA, for good health and God's blessings on Mary Adrina Xavier, and Thanksgiving Mass
to Infant Jesus by Anita Sahu, Thanksgiving Mass by Pushpa Raj Vela, Thanksgiving to Our Lady of Good Health by Sabiha Alfred, Thanksgiving for Good Health of Family Members by Pascaline Alfred, Thanksgiving for Good Health of Family Members by Norman Alfred, Thanksgiving for Good Health and Success of Grenville, and Thanksgiving Mass by Mary Adrina Xavier. Aaj hum is Ravivar ko Vyani Sunday, yani Purohiton ka Divas ke roop mein mana rahe hain. Hamare beech Hamara Dharmadhyaksha Mananiya Elias Gonzalez, our fathers, aur aap sabon ka swagat hai. Hum Sant Mary Vyani sabhi Purohiton ke adarsh evam संरक्षक रहे हैं. उनका जन्म 1788 में फ्रांस के दार्दलिक गांव में हुआ था. 18 वर्ष की अल्पायु में ही वे धार्मिक मनन चिंतन में लगे रहे और प्रभु की आवाज सुनकर अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करने गुरुकुल में प्रवेश किया. उन दिनों फ्रांस आंदोलन के समय धर्म विरोधी गतिविधियों के कारण पुरोहितों के विरुद्ध प्रतिकूल वातावरण होने के कारण इनकी पढ़ाई बाधित हुई तथा धार्मिक एवं पुरोहिताई ज्ञान पूर्ण न होने के बावजूद वहाँ के पल्लू पुरोहित ने अनुरोध कर लिया और उनका स्नेह पुरोहिताई अभिषेक हुआ और उन्होंने आर्स गांव से अपना पुरोहिताई जीवन प्रारंभ किया और मृत्यु तक वहीं रहे. वहां की कलीसिया के लोगों में ईश्वर के प्रति प्रेम का अभाव था, इसलिए उनके बीच प्रेम जागरूक करने के मिशन पर उन्हें वहां भेजा गया था. वे वहां 14 से 18 घंटे तक पाप स्वीकार सुना करते थे तथा पवित्र यूकरिस्ट की आराधना किया करते थे. इसलिए यूरोप के पुरोहित एवं धर्म बहनें और तमाम जगहों से विश्वासीगण उनके पास आया करते थे, जिनका वे आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते थे. और इस प्रकार 40 वर्षों तक उन्होंने निस्वार्थ भाव से कलीसिया की सेवा की और 4 अगस्त 1861 में 73 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ और सन 1925 ईस्वी में संत पिता पीयूष 11वें ने उन्हें संत घोषित किया. इस मिस्सा बलिदान में प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें और विशेष करके जो बीमार एवं रिटायर्ड फादर्स हैं उनकी आध्यात्मिक एवं देखभाल के लिए आर्थिक सहायता करने का हम आग्रह करते हैं. आइए हम सब इस मिस्सा पूजा में प्रेम भाव और भक्ति से शामिल हों. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन. प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ. प्रिय भाई और बहनों, आज हम है व्यानी संडे का पर्व मना रहे हैं. साथ साथ हमारे नौजवान जो वैवाहिक जीवन शुरू करने वाले हैं वो भी इस मिसा में सहभाग लेते हैं. उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ. प्रभु यीशु विश्वास और प्रेम, ये दोनों का संदेश आज के सुवार्ता में हमें देते हैं. जो विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है.
ऐसे शब्दों में विश्वासियों का वो बड़े दिल से उनको तोहफा देते हैं। आज इस भोजन में सहभाग लेते हुए हम अपने पाप स्वीकार करें। जब जब हम विश्वास और प्यार करने में कम हुए, हम सब मिलकर बोले, भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्ग दूतों, सब संतों और आप लोगों से हे भाइयों और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। स्वर्ग से उतरे कदम रखा तो धन
महिमा महिमा हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा ही महिमा हो। गाय विराजे ईश पिता के शोभित पावन तू प्रियवर, पवित्र आत्मा के संग नब पर चारों दिशाओं में आठ प्रहर। आमेन 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 आमेन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पवित्र आत्मा की शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता कहते हैं। हमारे हृदय में तेरे पुत्र पुत्रियों होने का बोध पूर्ण होता जाए, ताकि हम उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने की है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग होकर युगानि युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। राजाओं का पहला ग्रंथ। एलियस मरुभूमि में एक दिन का रास्ता तय कर एक झाड़ी के नीचे बैठ गया और यह कहकर मौत के लिए प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, बहुत हुआ, मुझे उठा ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। वह झाड़ी के नीचे लेटकर सो गया, किंतु एक स्वर्गदूत ने उसे जगाकर कहा, उठिए और खाइए। उसने देखा कि उसके सिरहाने पकाई हुई रोटी और पानी की सुराही रखी हुई है। उसने खाया पिया और फिर लेट गया, किंतु प्रभु के दूत ने फिर आकर उसका स्पर्श किया और कहा, उठिए और खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए अधिक लंबा हो जाएगा। उसने उठकर खाया पिया और वह उस भोजन के बल पर 40 दिन और 40 रात चलकर ईश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंचा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सदा ही प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा, मेरी आत्मा
प्रभु पर गौरव करेगी, विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। परखकर देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना भला है। परखकर देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना भला है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। परखकर देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना भला है। परखकर देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना भला है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। परखकर देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना भला है। परखकर देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना भला है। प्रभु का दूत उनके भक्तों के पास डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वो जो उसकी शरण में जाता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना भला है। परखकर देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना भला है। A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brethren, do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you have sealed for the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Therefore, be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. The word of the Lord. Thanks be to God. Gospel acclamation. Thank you.
I am the living bread that came down from heaven, says the Lord. If anyone eats this bread, he will live forever. आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। इस पर यहूदी यह कहकर बुनबुनाने लगे, क्या यह यूसुफ का बेटा यीशु नहीं है? हम इसकी माँ बाप को जानते हैं, तो यह कैसे कह सकता है मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, आपस में मत बुनबुनाओ। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित न करें। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों में लिखा है, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो कोई ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। यह न समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरती है और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आदरणीय फादर्स और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सामान्य काल का 19वां इतवार मना रहे हैं और पूरी कलीसिया आज का दिन वियानी संडे यानी हमारे सभी धर्मगुरु का आश्रयदाता अ पेट्रन सेंट सेंट जॉन मारी वियानी की मध्यस्था से सभी धर्मगुरुओं के लिए प्रार्थना की जाती है। आज इसी समय
हमारे धर्म प्रांत के जो नौजवान हैं वो भी ये दिनों में वैवाहिक जीवन की तैयारी करने का जो अधिवेशन था वो चल रहा है। हम सभी को ईश्वर के प्रति आदर मान सम्मान और जो विश्वास हम व्यक्त करते हैं, जो व्यक्तिगत प्रेम हम दिखाते हैं, वह प्रेम और विश्वास सभी प्रकार से जो सुवार्ता में यीशु के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है, यीशु के शब्द और कृति चमत्कार उनकी हम प्रशंसा करते हैं और इस प्रशंसा से ही हम उनकी और जो हमारे प्रति उनके प्रति जो एक आदर और मान सम्मान है वो हमारे विश्वास से हम दिखाते हैं। विश्वास हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण बाब है। पहली शुरुआत हम अपने आप पर विश्वास रखना सीखें तो ही हम दूसरों के और हमारा विश्वास प्रकट कर सकते हैं और जिस विश्वास में हम अपनी धार्मिक श्रद्धा व्यक्त करते हैं वह विश्वास हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए दिया है और उस विश्वास का पूरी तरह से आकलन करना, उसका अध्ययन करना और उस अध्ययन से हमारे विश्वास में बढ़ते रहना, यही हमारे जीवन के लिए बेहतर होता है। आज के सुसमाचारों में प्रभु यीशु हमें वही कहना चाहता है कि जो विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। आज का सुसमाचार उनमें से एक है जो कहता है मैं जीवन की रोटी हूँ, जो बहुत सारे सुसमाचार में प्रभु यीशु अपनी खुद की पहचान लोगों को देना चाहता है। मैं गुड शेपर्ड, मैं एक अच्छा मेषपाल हूँ, मैं एक रोटी हूँ, मैं जीवन और मार्ग हूँ। इस समाचारों में प्रभु यीशु अपना खुद के ऊपर जो आत्मविश्वास था वो आत्मविश्वास लोगों को देना चाहते हैं। जैसे कि आज के सुसमाचार में पहले ही उनके लोगों ने उन पर अविश्वास दिखाया कि एक कारपेंटर का लड़का है, ये एक हमारे बीच रहने वाले यूसुफ मरिया और ढेर सारे उनके भाई बहन हमारे साथ है और यह सब ज्ञान उनके पास कहाँ से आया। और इसलिए यीशु उन्हें स्पष्ट कहते हैं कि आप एक दूसरे में आपस में इस बातों पर लड़ाई मत करना, जो कुछ पूछना है वो मुझे पूछना कि जिसके द्वारा मैं आपके सभी प्रश्नों का सवालों का जवाब दे सकूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास हमारे जीवन में एक अति महत्वपूर्ण बाब है कि जिसके द्वारा हमारे जीवन का पूरा ढांचा हम बना सकते हैं, जीवन की उभारनी जो है वो हम कर सकते हैं। जब हमारे ऊपर ही हमारा विश्वास नहीं होता तो क्या हम न देखने वाले, न हमारे सामने जो नहीं देख सकते उन ईश्वर पर विश्वास कर सकते हैं? जब हम एक दूसरे पर, हमारे भाई बहनों
पर विश्वास नहीं रखते तो क्या हम जो ईश्वर हमें कभी देखा नहीं उन पर विश्वास कर सकते हैं? इसलिए पहली शुरुआत हम अपने आप पर विश्वास रख के करना आवश्यक है, जिससे ही जिस विश्वास से हम प्रेम पाते हैं और वो प्रेम हम ईश्वर के और हमारे भाई बहनों के और दिखा सकते हैं। मैं जीवन की रोटी हूँ इस सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें यही कहना चाहते हैं कि जिस रोटी हम हर यूक्रिस्ट में हर मिसा में सहभाग लेते हुए पाते हैं, अभी महामारी के दिनों में हम उससे वंचित हैं, हम पा नहीं सकते, बल्कि उसका महत्व हमारे जीवन में क्या है वो हमें समझना आवश्यक है कि जिस रोटी हमारे विश्वास का हमारे श्रद्धा का एक अन्न है कि जिसके द्वारा हमारे श्रद्धा की पोषण श्रद्धा का विकास होने में सहभाग होता है, जिस यीशु से हम एक रूप होते हैं। और यही आज के सुसमाचार में हमें स्पष्ट किया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहता हूँ कि जिसके द्वारा ये विश्वास और प्यार का हमारे जीवन में क्या महत्व है। एक समुद्र के किनारे से थोड़े दूर तक एक छोटा से द्वीप पर एक मंदिर था। उस मंदिर में छोटे छोटे मोटे ऐसे 100 से 1000 तक घंटियां लगाई थी। जब वहां लहर आती थी, हवा बहती थी, तो ये मंदिर के घंटियां बजती रहती थी और उसमें से एक अच्छी सिम्फनी, एक अच्छा सुर जो किनारे पर रहने वाला गांव वाले थे उनको सुनाई देती थी और उसे उनके जीवन में प्रसन्नता, उत्साह और ईश्वर पर लगी हुई श्रद्धा या विश्वास में बढ़त होती रही। बल्कि एक दिन ऐसा आया कि जब बहुत बड़ा तूफान हो गया और वो जो द्वीप था जिसके ऊपर मंदिर था वो पूरा नष्ट हो गया, वो पानी के नीचे दबा गया। और ये जब तूफान चल रहा था तब वो घंटियाँ जोर से बजती थी और गांव वालों का जो विश्वास था कि ये घंटियाँ अभी ही बजती रहती है, जो सुनना चाहता है, जिसको सुनने की इच्छा होती है वो घंटियाँ अभी भी सुनाई देती है। यह एक कहानी प्रचलित थी। एक नौजवान ने यह कहानी सुनी और वो बहुत दूर से चलकर उस किनारे पर पहुंचा कि क्या ये सचमुच सच है कि वहाँ ये घंटियाँ सुना देती है। वो हर रोज दिन सुबह से शाम तक वहाँ बैठ के रहते सुनने का प्रयास करने लगा। बहुत दिन चल गए, बहुत महीने चल गए, उनको कोई भी सुनाई नहीं देता। जब वो निराश होता था तो गांव में जाता था, गांव के लोगों को कहता था कहाँ ये सुनाई देती है, आप क्या कहते हैं कि ये घंटियां हम सुनते हैं। बहुत दिनों के बाद प्रयास करने के बाद भी ये नौजवान नाराज हो गया कि ये कुछ सच नहीं है, एक कहानी है, बल्कि इतने दिन मैं यहाँ गुजारा तो आखिरी दिन मैं जाके वहाँ बैठूंगा। और वहाँ जाकर उसने जहाँ वो किनारे पर जो पेड़ थे उनसे गुड बाय कहना शुरू किया। जो वहाँ के सारे आने जाने वाले लोग थे, वहाँ के जहाज समुंदर को गुड बाय किया, अलविदा दिया कि मैं अभी जा रहा हूँ, मैं सचमुच
अपयशी हो गया। यह सोचते सोचते वो वहाँ ही किनारे पर लेट गया। वो रेत में लेट होने के बाद थोड़ी सी नींद उन्हें आई कि क्योंकि वो जो हवाएं चल रहा था, जो लहर आ रही थी, उनमें उसमें प्रसन्न दिल हो गया और कहां से एक छोटी घंटी की आवाज उन्हें सुनाई पड़ी। एक एक करके 100 घंटियां तक उसको आवाज आने लगी और उसने यह सोचा कि यही मेरे विश्वास का एक बड़ा तोहफा मुझे है कि बहुत दिन की पराकाष्ठा करने के बाद, बहुत दिन का प्रयत्न करने के बाद, बहुत दिन कष्ट उठाने के बाद ये आवाज जो मैं सुन रहा है वो मेरे जो विपाशना मैंने की उस विपाशना का फल है। और बड़े उत्साह से, बड़े आनंद से उसने यह जो घंटिया का नाद था, वो जो सिंफनी थी, वो जो आवाज थी, जो एक सुर था, वो अपने जीवन में पाया। और वो पाने के बाद उनके जीवन में एक आनंद, एक स्फूर्ति, एक उत्तेजन प्राप्त हुआ कि मेरे विश्वास जो मैंने बहुत बड़े बहुत दिनों तक चलते रहकर जो व्यक्त किया, उस विश्वास का फल यह यश मैं पा चुका। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे हर एक के जीवन में यही एक सार्थक है कि जब हम हमारे विश्वास में टिके हुए होते हैं तो हम हर एक के जीवन में जो सिंफनी है, खुद के जीवन में जो सुर है, वैसे ही हमारे भाई बहनों के, पति पत्नी के लिए एक दूसरे को जो एक दूसरे का सिंफनी है, सुर है, वो पहचान सकते हैं। और उसमें ही हम जो विश्वास हम एक दूसरे पर रखते हैं उसमें ही प्यार में बढ़ते रहते हैं। विश्वास और प्यार ये दोनों एक ही सिक्के के भाग है कि जिसके द्वारा हम अपने जीवन में जो हमारी श्रद्धा है वो श्रद्धा में बढ़ते रहते हैं। आज के दिन जब हमारे नौजवान लोग अपने वैवाहिक जीवन की तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी में उन्हें एक दूसरे पर विश्वास और प्यार में बढ़ना है, हमारे पुरोहितगण जो विश्वास करते हैं, जिस ईश्वर पर अपना जीवन समर्पित करते हैं, वो जीवन समर्पितता यही विश्वास से आती है कि जो उन्हें प्यार, जो ईश्वर को अपना प्यार पूरे तरह से देते हैं अपने लोगों को, उन्हें सार्थकता मिलती है, आनंद मिलता है, जीवन की शांति पाते हैं। आज हम हमारे सभी दिवंगत धर्मगुरु, जिन धर्मगुरुओं ने हमारे धर्म प्रांत में काम किया, बहुत प्रकार से सेवा कार्य किया, जिस सेवा कार्य में सालों सालों तक वो लगे रहे, क्योंकि जो विश्वास और प्यार ईश्वर पर था वो उन लोग अपने लोगों के जीवन में कृति में दिखाया। उन सभी लोगों का याद करें। और जो अभी रिटायर्ड है, रिटायर्ड होम में है, उनके लिए प्रार्थना करें। जो धर्मगुरु सेवा कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें। आज जब हम इस
बहुत सारे आपत्तियों से जा रहे हैं। पुरोहितों का जीवन आज इतना आसान नहीं है, बहुत सारे चुनौतियां उनके सामने खड़ी है, और यह सभी में खड़े रहने के लिए, मजबूती से, श्रद्धा से और विश्वास से खड़े रहने के लिए उन हम सभी को आपकी प्रार्थना आवश्यक है। जैसे परिवार में एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पूरे अपनी कलीसिया के परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करें कि जब इस महामारी के कारण और जो बहुत सारे आपत्तियां हमारे ऊपर है, उन सभी में हम मजबूती से खड़े रहने के लिए, श्रद्धा में मजबूत होने के लिए हम प्रयास करते हैं, तब हमें ईश्वर की पवित्र आत्मा की कृपा, जैसे संत पौलुस ने आज के दूसरे सुसमाचार में किए कि वो पवित्र आत्मा ही हमें सशक्त बनाएगा और उसकी कृपा से ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे पहले सुसमाचार में भी एलियस को लगता है कि वह अपने मिशन के अंत में आ रहा है, जबकि ईश्वर के पास उसके लिए विशेष योजनाएं हैं। एलियस को एक नया मार्ग ईश्वर दिखाता है, वैसे हमें भी हमारे जीवन में ईश्वर एक नया मार्ग दिखाए, यही प्रार्थना आज के इस भोजन में हम करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु के सुसमाचार पर श्रद्धा प्रकट करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में हम विश्वास में बढ़ते रहने के लिए एक साथ कहे, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है, वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर फूंका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा पवित्र विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उनकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों के क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमेन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी है। जो कोई वह रोटी खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। हम प्रभु यीशु को जीवन की रोटी मानकर उनके द्वारा अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे सभी एक भले घड़रिये की तरह अपनी कलीसिया को यीशु के प्रेम और विश्वास में एक बनाए रखने में सफल बने। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के प्रशासनिक सेवक के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने अधिकार का उपयोग जरूरतमंद एवं गरीब लाचारों तथा सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए करें तथा भेदभाव छोड़कर आपसी मेल मिलाप और भाईचारा द्वारा शांति स्थापित करने का प्रयास करते रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी युवाओं एवं बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि वे सभी प्रकार के प्रलोभनों दुर्घटनाओं एवं बुरी संगति से सुरक्षित रहे। सभी बच्चे अपने माता पिता एवं बुजुर्गों का आदर करें तथा आज्ञाकारी बनकर क्रिस्तीय जीवन जीने का प्रयास करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। लॉर्ड रिस्टोर लाइफ टू द सिक द डाइंग एंड द ग्रीविंग। मे दे एक्सपीरियंस गॉड्स हीलिंग पावर इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट एंड बी सराउंडेड बाय द लव एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स। वी प्रे टू द लॉर्ड। लॉर्ड हियर आवर प्रेयर फॉर ऑल फैमिलीज दैट दे कंटिन्यू टू बी रिन्यूड बाय द जॉय एंड लविंग मर्सी ऑफ आवर गॉड। फॉर फैमिलीज that face the future with anxiety, that they will experience God's support and consolation in their fears. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all of us participating in the Eucharistic celebration, that God will give us the grace to know His presence in our everyday lives and to know Him as our constant companion and our sure hope in times of uncertainty. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Let us pray for all our personal intentions. हे परम दयालु पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को तेरे उपहार के रूप में देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वह जीवन की रोटी है, उनका शरीर और रक्त में अनंत जीवन निहित है। हमें वह अनुग्रह प्रदान कर कि हम सदैव इस रोटी को प्राप्त करने के लिए लालायित हो सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। चढ़ाते प्यार की निशानी दे प्रभु, प्यार तेरा रोटी में एकता का दैनिक भोजन में प्रभु। रोटी गेहूं दानों की अंगूरी दा फलों की चढ़ाते प्यार की निशानी दे प्रभु, प्यार तेरा रोटी में एकता का दैनिक भोजन में प्रभु। स्वीकारो हे पिता हमारी भेंट पिता, स्वीकारो हे पिता हमारी भेंट पिता। पवन के दे पिता स्वीकारे पिता, पवन के दे पिता कर स्वीकारे पिता। मेहनत और प्रेम का ये फल सुंदर पृथ्वी का ये फल चरणों में लाए है प्रभु। स्वीकार कर दान हमारा जीवन का तू है सहारा, दे हमें प्यार तेरा।
मेहनत और प्रेम का ये फल, सुंदर पृथ्वी का ये फल, चरणों में लाए हैं प्रभु। स्वीकार कर दान हमारा, जीवन का तू है सहारा, दे हमें प्यार तेरा। स्वीकारो है पिता हमारी भेंट पिता, स्वीकारो है पिता हमारी भेंट पिता, पावन कर दे पिता कर स्वीकारे पिता, पावन कर दे पिता कर स्वीकारे पिता। Pray my brothers and sisters that our sacrifice may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice by at your hands for the praise and glory of his name, for our good and God for his church. Be pleased, O Lord, to accept the offerings of your church, for in your mercy you have given them to be offered, and by your power you transform them into the mystery of our salvation, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord, for through his paschal mystery, he accomplished the marvelous deed by which he has freed us from the yoke of sin and death, summoning us to the glory of being now called a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for your own possession, to proclaim everywhere your mighty works. For you have called us out of darkness into your own wonderful light. And so with the angels and archangels, with thrones and dominions, and with the host of powers of heaven, we sing the hymn of your glory as without end we acclaim. Holy, 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 holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving you thanks. He broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving you thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection.
Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope and Elias our Bishop and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the Blessed Joseph, her spouse, with the Blessed Apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be coheirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. Amen. Power and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you, look not on our sins but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who lives and reigns forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, who takes away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Happy are those who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say a word, and my soul shall be healed. मन मंदिर में
जाओ यीशु तुम दिल में आओ मेरे दिल में बस जाओ पावन प्रसाद में आकर मन मंदिर में बस जाओ Jesus, we thank you for coming into our hearts. Although we cannot receive you sacramentally by being present here, we know when we believe that you come into our hearts. And in this way, in a spiritual way, we are united with you. Stay with us, Lord. Let us not be separated from you. Abide with us today. हे प्रिय प्रभु येसु जी, हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं. आपने हमारे हृदय में प्रवेश किया है. यद्यपि हम आपको संस्कार के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते, हमारा विश्वास है कि हम आध्यात्मिक रूप से आपको ग्रहण कर रहे हैं. हमारे साथ रहिए प्रभु जी, हम आपसे अलग न हो जाएं, इस दिन हम आपसे जुड़े रहें. हम प्रार्थना करें. हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागी होकर हम पोषित हुए हैं, यह हमें मुक्ति प्रदान करे और तेरे सत्य की ज्योति में हमें सुदृढ़ करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा. आमीन. सूचनाएं, नोटिसेस. We extend our deep sentiments of gratitude to Archbishop Elias for celebrating this Mass for us, particularly for the clergy of the diocese. Special way we pray and we extend our support to those of our priests who are sick and who have retired. We thank God for their services. Today we also celebrate the feast of Saint Dominic, the founder and the patron saint of the Dominican fathers and sisters. While extending our prayerful good wishes to them, we thank them for their services in the for the seminary administration and
for the parish and school work. There will be a meeting of the SFS Parish Pastoral Council on 12th August at 6 p.m. There is a 3-day family retreat organized by the Family Commission on 12th, 13th, and 14th August from 6 p.m. to 8 p.m. Details have been uploaded in the WhatsApp. Kindly participate in large numbers in the Zoom family retreat. We thank the Archdiocesan Media Committee for the live telecast of this Mass. Next Sunday, 15th August, is the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary and Independence Day of our country. There is a special Mass at 7:30, followed by the flag hoisting ceremony. Hamare Dharmadhyaksh Archbishop Elias Gonzalez ko dhanyavad dete hain jinhone yahan aakar hame yah missa chadaya. Aaj hum Vianney Sunday mana rahe hain. Hum hamare un jo bimar fathers hain aur jo retired hain unke adhyatmik aur sharirik kalyan ke liye vishesh prarthna kare aur आर्थिक जो हम उनको दान दे सकते हैं वे भी पल्ली के द्वारा हम उस उनके देखभाल के लिए हम इनको देते हैं. SFS पल्ली परिषद की मीटिंग है 12 अगस्त को शाम 6 बजे. 3 दिवसीय पारिवारिक मनन चिंतन का रिट्रीट है जो फैमिली कमीशन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है 12, 13, 14 अगस्त को शाम 6 बजे से 8 बजे तक. व्हाट्सएप ग्रुप में इसको अपलोड किया गया है. सब परिवार के लोग अवश्य इसमें शामिल होकर इसका लाभ उठाएं. आज 8 अगस्त सन डोमिनिक जो डोमिनिकन संस्था के संस्थापक और संरक्षण संत है उनका पर्व है. हम डोमिनिकन फादर्स सिस्टर्स को धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि उनके जो कार्य हैं उन पर आशीष बरसाएं. हम अपने आज डायसिजन मीडिया कमेटी के आभारी हैं जिन्होंने यहाँ कष्ट उठा करके यह प्रसारण में हमारी मदद की है. आने वाले इतवार 15 अगस्त माता मरियम के उद्ग्रहण का महोत्सव है और हमारे देश का स्वतंत्र दिवस है. 7:30 बजे मिस्सा होगा, तत्पश्चात फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी होगी. ईश्वर आपको सुरक्षित रखें, स्टे सेफ, और आप पर आशीष बरसाएं. धन्यवाद. I take this opportunity to wish all our priests a happy feast day of St. John Mary Vianney and a happy Vianney Sunday. I request all of you also, if you can't go physically and visit your priest, please call them and wish them a very happy feast, and specially pray for them during this day. Let us pray for God's blessing. प्रभो आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ. सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे. आमीन. आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति सदा साथ रहे. ईश्वर को धन्यवाद.
दुलारी जग में निर्मल सुकोमल रमल